हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाई एसपी सर पे। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था प्राइवेटाइजेशन इन नेशनलाइज बैंक करके, उसको आप देख सकते हैं। नेशनलाइज बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संभावना को सरकार तलाश रही है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। फिर इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा प्राइवेटाइजेशन इन इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे निजीकरण। तो भारतीय रेल में निजीकरण का देखिएगा एक न्यूज आया 1 जुलाई को, जिसमें भारतीय रेल के द्वारा कहा गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल होता है, उस मॉडल पे जो है इंडियन रेलवे 1 अप्रैल 2023 से 151 ट्रेन्स को प्राइवेट ऑपरेटर को अलाउ कर देगी 109 रूट्स पे। तो जैसे ही ये न्यूज है, वैसे ही जो है ये जंगल में आग की तरह फैल गया कि जब रेलवे का निजीकरण होगा तो जो आप फॉर्म फिलअप किए हैं एनटीपीसी का, गुड्स गार्ड्स का, उसका क्या होगा? फिर निकट भविष्य में आने वाली जो वैकेंसियां हैं, नियुक्तियों का विज्ञापन आने वाला है, उनका क्या होगा? रेलवे में नौकरियों का क्या होगा? फिर निजीकरण के होने से जो प्राइस हाइक है, जो फेयर है, वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न जो है जनरल पब्लिक के दिमाग में और खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके दिमाग में ये बातें जो है कौंधने लगी। तो अब उसी चीज को जो है हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है, ऐसा क्यों, क्या न्यूज है, कितने परसेंटेज में ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और उससे रियल में जॉब पे क्या असर पड़ेगा। तो इस सब चीजों को डिस्कस करने का प्रयास हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो जैसे कि न्यूज यही है, तो सबसे पहले इसमें जो है भारतीय रेल के पक्ष को जो है हम लोग समझेंगे, क्योंकि जैसे ही ये न्यूज आया और जॉब लॉस और प्राइस हाइक और प्राइवेटाइजेशन का ये सब जब बात जो है न्यूज के माध्यम से फैल गया, तो क्विक रिस्पॉन्स किया गया। जो इंडियन रेल के बोर्ड, इंडियन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है मिस्टर विनोद कुमार यादव, तो उनके द्वारा क्विक रिस्पॉन्स किया गया और जो है सब चीजों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। तो वो चीज को भी हम लोग रखेंगे और फिर अपने विवेक के हिसाब से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग सरकार के पक्ष को समझने का प्रयास करेंगे, रेलवे बोर्ड के पक्ष को समझने का प्रयास करेंगे। तो रेलवे बोर्ड का कहना है कि जो 151 जो प्राइवेट ऑपरेटर को परमिट किया जा रहा है 109 रूट्स पे ट्रेन को ऑपरेट करने के लिए, वो जो है टोटल इंडियन रेलवे का एडिशनल 5% होगा और जो 95% रेलवे है वो ऑलरेडी जो है भारतीय रेल के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। केवल 5% एडिशनल ट्रेनों को ऑपरेट करने के लिए प्राइवेट ऑपरेटर को परमिट किया जा रहा है। तो ये बात है। फिर ये जो ट्रेनें संचालित की जाएंगी प्राइवेट ऑपरेटर के द्वारा, इसमें जो ड्राइवर्स होंगे या जो गार्ड्स होंगे या जो स्टेशन मास्टर होंगे, वो सब सरकार के होंगे, मतलब इंडियन रेलवे के होंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो आप फॉर्म फिलअप किए हैं एनटीपीसी का, उसमें गार्ड्स का जो पोस्ट है या एसएम का पोस्ट है या फिर एएलपी का पोस्ट है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कुछ तो रेलवे का होगा। तो उस पर वैकेंसी जो है खत्म होने वाला नहीं है, ये जान लीजिए कि वो जो है नियुक्तियां होंगी, क्योंकि केवल ट्रेन को ऑपरेट करने का जो है राइट दिया जा रहा है निजी ऑपरेटर को, न कि गार्ड्स को अपॉइंट करने का, न कि ड्राइवर को अपॉइंट करने का, न रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको दिया जा रहा है, केवल ट्रेन ऑपरेट करने के लिए दिया जा रहा है। तो ये दिमाग में रखिए। तो ये समझ में आ गया आपको कि ये जो वैकेंसियां हैं वो उसके एग्जाम भी होंगे और फिर नई नियुक्तियां भी आएंगी। तो ये पक्ष हो गया। फिर रेलवे का कहना है कि ये जो हमने प्राइवेट ऑपरेटर को ऑपरेट करने का निर्णय लिया है, परमिट करने का, वो इसलिए लिया है ताकि बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जिसपे ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि जो रिजर्वेशन का वेटिंग लिस्ट है वो इंडियन रेलवे क्लियर नहीं कर पाता है, तो उन्हीं रूटों पर ये प्राइवेट ऑपरेटर को परमिट किया जा रहा है ताकि जो है लोगों को सुरक्षित और टाइम से यात्रा जो है संभव करा सके, रेलवे का कहना है। फिर रेलवे का ये मानना है कि जो पैसेंजर फोरकास्ट है, तो पैसेंजर फोरकास्ट अगर हम देखेंगे तो 2019 में 8.4 बिलियन, मतलब 8
और अब 40 करोड़ लोग जो है रेल से यात्रा कर रहे थे, जबकि आपकी आबादी है 130 करोड़। तो इस हिसाब से समझिए कि लगभग जो आबादी है उससे 6.5 गुना ज्यादा लोग जो है ट्रेवल करते हैं रेल से एक साल में। और ये जो अगले 10 साल में 2030 तक ये बढ़ के हो जाने वाला है 13 अरब हो जाने वाला है। तो इतना जो डिमांड है, इस डिमांड को वो जो प्राइवेट 151 ट्रेन हम परमिट कर रहे हैं उससे भी संभव नहीं होगा, ऐसा रेलवे बोर्ड का कहना है। और फिर हमको अपना मतलब भारतीय रेल को अपना भी ट्रेन जो है संचालित करना होगा, उसकी भी संख्या बढ़ानी होगी ये डिमांड के डिमांड को मीट करने के लिए। तो इस तरह से भारतीय रेल को अपने भी रेल चलाने होंगे, अपना और भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, तो उसके लिए मैन पावर का जरूरत होगा। और फिर ये जॉब का लॉस नहीं होगा बल्कि जॉब और बढ़ेंगे, ऐसा भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का कहना है। और ये दिख भी रहा है कि जॉब लॉस इसमें नहीं होने वाला है, इसलिए कि वो रेल केवल ऑपरेट करेंगे वो प्राइवेट ऑपरेटर, जबकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भारतीय रेल का होगा। और फिर नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना होगा, जो डिमांड है और जो सप्लाई है उसमें बहुत ह्यूज गैप है, तो उसको गैप को देखते हुए नई ट्रेनें संचालित करनी होंगी, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा, नए कैपेसिटी को बिल्ड करना होगा, तो उसमें मैन पावर का जरूरत होगा। तो जॉब इसमें लॉस नहीं होंगे बल्कि जॉब बढ़ेंगे, और जो फॉर्म आप भरे हैं वो परीक्षाएं भी होंगी, और निकट फिर आने वाले जो नियुक्तियां हैं वो भी निकलेंगी। लेकिन रेलवे में है कि ये सब प्रक्रियाएं बहुत धीमी चलती हैं, जैसा कि चल रहा है तो धीमी चलेंगी लेकिन रहेंगी, क्योंकि ये निजीकरण जो है पूरी तरह से नहीं हो रहा है, बल्कि रेलवे के कुछ काम का निजीकरण किया जा रहा है, जैसे वो पहले से भी हो रहा है, देखिएगा साफ सफाई कैटरिंग वगैरह का काम पहले से भी धीरे धीरे रेलवे में प्राइवेटाइज हो रहा है। रेलवे एक बहुत ह्यूज जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का, और उसके पास जो है बहुत ज्यादा एक बड़ा एसेट्स है, और उस एसेट्स को खरीदने का कैपेसिटी जो है किसी प्राइवेट एंटिटीज में नहीं है। अगर उसके रेलवे के एसेट्स को देखिएगा तो 1, 2, 4, 10, 20, 50 नहीं बल्कि 100 अंबानी बिक जाएंगे तब भी वो रेलवे को नहीं खरीद पाएंगे। तो बिकिए जाएंगे तो क्या खरीदेंगे, आप समझ सकते हैं। तो कितना बड़ा जो है रेलवे के पास एसेट्स है कि कोई प्राइवेट एंटिटीज में दम नहीं है कि वो रेलवे को खरीद ले और रेलवे को खरीद करके चलाने लगे, तो ये संभव नहीं है। इसमें भी देखिएगा 151 ट्रेन चलाने के लिए देखिएगा बहुत सारी कंपनियां जो है इसमें बीट करेंगे, और फिर उसमें जो है टाटा रेल और इस तरह का अडानी रेल, अंबानी रेल, ये सब चलेगा, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो इसके अलावा जो ट्रेनें होंगी वो सब भारतीय रेल की होंगी। और फिर फेयर हाइक करने का भी जो प्रश्न है, तो आप वो 5% ट्रेन पे आप यात्रा मत कीजिए, 95% जो ट्रेन है उस पर यात्रा कीजिए जो भारतीय रेल के द्वारा संचालित है। आप जानते हैं कि भारतीय रेल में जो है किराया बहुत सस्ता है, और किराया सस्ता होने की वजह से ही भारतीय रेल को रेवेन्यू का कमी है, और उस रेवेन्यू की कमी को पूरा करने के लिए वो कुछ काम को निजी ऑपरेटर के हाथ में सौंप रहा है, ताकि उससे रेवेन्यू जनरेट करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को वो और जो है बढ़ा सके और ज्यादा लोगों को जॉब दे सके। तो इसके लिए रेवेन्यू की जरूरत है, और वो रेवेन्यू की जरूरत को पूरा करने के लिए जो है वो कुछ कामों को प्राइवेटाइज कर रहा है, उसमें ये 151 ट्रेन का ऑपरेशन शामिल है। तो इस रूप में अगर आपका विवेक इसके आधार पर आप समझते हैं कि अब सरकार के पक्ष को हम नहीं रख करके और जो रीमर है उसको हम देखेंगे, तो फिर हमारा काम चलने वाला नहीं है, फिर हम रीमर में ही फंसे रह जाएंगे। और धीरे धीरे निजीकरण होगा, बहुत लंबे समय में होगा, ये भी सही बात है कि निजीकरण का दौर है, प्राइवेटाइजेशन का दौर है, ये भी बात सही है, क्योंकि 1991 के बाद से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन होगा, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, बहुत सारा उसमें रेलवे का काम है, तो धीरे धीरे कुछ कुछ काम को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। इस रूप में आपको इसको समझने की जरूरत है। जो अभी प्रेजेंट जो आप फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उसका भी एग्जाम होने वाला है, और फिर नई नियुक्तियां भी आएंगी, उसके लिए जो रेवेन्यू चाहिए वही जो है रेलवे बोर्ड क्या कर रहा है, तो ये सब काम को प्राइवेट के हाथ में सौंप करके उससे रेवेन्यू जनरेट करके अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करेगा, अपने कैपेसिटी को बढ़ाएगा, अपने इफिशियंसी को बढ़ाएगा, ऐसा ही चीजों को ध्यान में रख करके इस तरह का
प्राइवेटाइजेशन का बात हो रहा है, तो रेलवे एक बहुत विशाल संस्थान है, उसके कुछ काम को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ये आप समझिए। मतलब जैसे आप सुने होंगे एक कहावत होता है कि गोजर का एक पैर टूटने से कुछ नहीं होता, वही हाल भारतीय रेल का है। तो इसी रूप में आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। और कोविड-19 की वजह से जो है सब परीक्षाएं विलंब हो गई हैं, ऐसा पहले बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा कहा भी गया था कि जैसे परीक्षा लेने की सारी तैयारी हो चुकी थी, एनटीपीसी ग्रुप डी का सारे जो फॉर्म थे उसका एक स्क्रूटनी कर लिया गया था, जैसे ही एग्जाम लेने का प्रक्रिया शुरू होने वाला था वैसे ही जो है ये कोविड-19 का महामारी शुरू हो गया, उसके चलते वो सब काम डिले हो गया। और जैसे ही चीजें सामान्य होंगी, सब परीक्षाएं होंगी, सारे कुछ होंगे, तो इसमें बहुत हड़बड़ाने की बात नहीं है। आपको जो है अपने चेतना का, अपने ऊर्जा का इस्तेमाल जो है सही दिशा में करना चाहिए, परीक्षा की तैयारी में करनी चाहिए। और जो ये लॉकडाउन का पीरियड है, जो एग्जाम नहीं हो रहा, इस समय अगर आप गैप क्रिएट कर दीजिएगा तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप गैप मत क्रिएट कीजिए, आप कंटिन्यू जो है आप एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सारा सिलेबस को कवर कर लीजिए, यही आपके लिए सकारात्मक चीजें हैं। बाकी नकारात्मक चीजें तो मार्केट में बहुत कुछ फैली हुई है, तो उन सब चीजों से अपने को अलग कीजिए और अपने नए चेतना, अपनी ऊर्जा, अपनी नई चेतना, नई ऊर्जा के साथ जो है परीक्षा की तैयारी कीजिए, गैप मत क्रिएट कीजिए, मेरा यही सजेशन है। और फिर आने वाला कल आपका होगा ऐसा मान करके चलिए। और ये वीडियो में मैं बस इतना ही रखूंगा, और जो भी आपको देखे होंगे इस वीडियो को देखने के बाद जो आपके ऊपर जो भ्रम होगा कि जॉब का क्या होगा, नियुक्ति का क्या होगा, तो सभी परीक्षाएं होंगी, सभी जॉब भी बढ़ेंगे, नई नियुक्तियां भी आएंगी। रेलवे का सब काम का जो है निजीकरण नहीं हो रहा, उसका कुछ ट्रेन ऑपरेशन करने का जो है प्राइवेट को परमिट किया जा रहा है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का होगा, गार्ड रेलवे का होगा, मेंटेनेंस करने वाले रेलवे के अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, स्टेशन मास्टर रेलवे के होंगे, सारा कुछ रेलवे का होगा। और फिर जो लोग हैं वो लोग रिटायर भी करेंगे, तो उसकी वजह से भी पद खाली होंगे, नियुक्तियां होते रहेंगे, लेकिन रेलवे को इस काम में थोड़ा सा इफिशियंसी लाना चाहिए। जैसे आईबीपीएस इतना इफिशियंट से नियुक्ति कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, उस तरह से रेलवे को भी करना चाहिए। रेलवे जो है एक बार फॉर्म भरवा करके जो है फिलअप करने के बाद जो सो जाने की प्रक्रिया है, फिर पीटी ले जाने के बाद फिर सो जाने की प्रक्रिया है, तो वो सबसे बाहर निकलना होगा। रेलवे को भी समझना चाहिए युवाओं के दर्द को, दुख को, और जल्दी जल्दी एग्जाम कंडक्ट करके जो है जो यूथ से जो है उनको नौकरी मिलने से जो है उनमें भी उत्साह बढ़ेगा, उनमें भी जो है राष्ट्र के प्रति तो समर्पित हैं, थोड़ा सा और भी समर्पण बढ़ जाएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।